हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। और इस वक्त जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, हमारी गाड़ी रवा दवा है। एक बहुत ही पुरसकून और बहुत ही मज़ेदार सी जगह पर हम इस वक्त जा रहे हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। शायद ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है सरप्राइज़, मुझे क्या पूरी फैमिली को। तो क्योंकि वीकेंड आ गया है, लॉन्ग वीकेंड इन सऊदी अरबिया, तो इस वक्त हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह। किचन के अच्छे ये वॉशरूम है। बेडरूम लाइट ऑन कीजिए। कॉफी करते ये तो बड़ा अच्छा है। मामा जी, स्विमिंग पूल में जाने का दिल चाह रहा है। हाँ, स्विमिंग पूल में जाने का दिल चाह रहा है। चाय का सामान नहीं है ना, पूछना पड़ेगा। नहीं है ये तो रखी हुई है। जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, और ये है शैलेज इन द माम। यहाँ हमारा वन नाइट स्टे है, और यहाँ इंशाल्लाह हम होल डे गुजारेंगे और अपना वीकेंड एंजॉय करेंगे। सो स्टे ट्यून, स्टे विद अस। एंजॉयिंग, फातिमा इज एंजॉयिंग। मैं इस वक्त रात का मंजर आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस वक्त रात हो चुकी है, और रात में भी बहुत ही पुरसकून यहाँ का एनवायरनमेंट है, और बिल्कुल आप इजीली अपनी फैमिली के साथ जो है वो खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, और बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग आपको फील होगा अगर आप यहाँ आएंगे तो। आपको बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा सा अपनी मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हट के जब हम बाहर निकलते हैं ना, अपने माइंड को फ्रेश करना भी ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, अभी जाएंगे ना। अपनी ज़िंदगी में हमारी जो इतनी मसरूफियात हैं उसमें से निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हमारा माइंड रिलैक्स हो और हम नेक्स्ट वर्किंग डे के लिए जो है वो तैयार हो जाएं। हाँ भी जाएंगे, खाना वाना कुछ खा लो फिर जाएंगे। यहाँ पे चाय बन रही है हमारी, और शाम हो गई है, मगरिब हो गई है यहाँ पर, और चाय जो है वो बन रही है। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं बच्चों के लिए फ्रूट काट रही थी। हाँ, फ्रूट काट के दे रही हूँ फ्रूट। यहाँ पे फातिमा ऑरेंज खा रही हैं फातिमा, और इनको पूल में जाने की लगी हुई है। जल्दी से हम पूल में घुस जाएं, है ना। जल्दी से खा लो फिर फिनिश करो फिर जाएंगे। तो आप भी खाना है कुछ? तो जी, इस वक्त चाय बन रही है शाम की, और मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और मैं ये कह रही थी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी ज़िंदगी की मसरूफियत में से अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालने का, ताकि हम जो हैं वो नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं जब वर्किंग डे स्टार्ट होता है, मंडे या फिर संडे। तो फिर से आप बिल्कुल अपने मेंटली जो है वो अच्छा सा रिलैक्स और आराम सुकून के वीकेंड गुजारने के बाद, जब आप ताज़ा दम होकर अपने वर्किंग डे का आगाज़ करते हैं, अपने काम का आगाज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपका पूरा वीक बहुत अच्छा गुजरता है। जी।
और जनाब सब रात हो गई है, बच्चे जो है वो पूल को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हमारे फातिमा और हम दोनों मजा आ रहा है। फातिमा जी 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 हाँ की तो थी अभी। अच्छा जी, खाना भी हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है, ऑर्डर बिल्कुल टाइम पर मतलब यहाँ पे मिल हमें रिसीव हुआ है। कहाँ से मंगवाया हमने? दही का मशवियात राफदीन से हमने ये खाना मंगवाया है, और आगे यहाँ पे खाना भी यहाँ पे वक्त पे पहुँच गया है। ओके स्टार्ट। ओके जी दोस्तों, इट्स टाइम टू गो बैक टू होम, और बहुत इंजॉय किया हमने और बच्चों ने, पूरी फैमिली ने बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा वीकेंड रहा और बहुत मज़ा आया, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी मज़ा आया होगा और आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अच्छी अच्छी वीडियोज़। टेक केयर, बाय बाय।